बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए स्पेशल कढ़ाई की रेसिपी लेके आया हूँ। कढ़ाइयाँ दो तरह की होती हैं, एक होती है चिकन को पहले फ्राई करके फिर गलाया जाता है, और दूसरा होता है पहले गला के फिर फ्राई किया जाता है। तो आज जो रेसिपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो प्लीज़ रेसिपी को एंड तक आपने देखना है। तो यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है, जिसको अच्छे से वॉश कर लिया मैंने, और बाकी मसाले मैं आपको रेसिपी के बीच में बताऊंगा। तो आइए रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्यारे से प्रेशर कुकर में 1 kg चिकन ऐड करेंगे, और यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज इसमें ऐड करेंगे। प्यालियों को अच्छे से साफ़ करना है, एक भी ज़र्रा जो है वो ज़ाया ना होने पाए। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच काफ़ी होगा। और ये है हमारे पास टमाटर, बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का टमाटर लिया है मैंने एक। और ये खड़े मसाले हैं, तेज़पात और 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 छोटा सा दालचीनी की स्टिक है, और इलायचियों को आप काट के या कूट के ऐड किया करें हमेशा। यहाँ पे जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच नमक का, और हल्दी इसमें नहीं जाएगी, कढ़ाई के अंदर हल्दी नहीं डाली जाती। इसमें डाल देंगे 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी, कि ये मीट जो है उसमें डिप हो जाए, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। मिक्स करके हम कुकर लगा देंगे जस्ट 4 से 5 मिनट। बेसिकली ये रेसिपी देसी कुकर की है, लेकिन देसी मुर्गी अवेलेबल नहीं, तो इसलिए मैं इसको ब्रायलर चिकन के साथ ही कर रहा हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 4 से 5 मिनट मैंने कुकर लगाया है, और यहाँ पे चिकन जो है वो बहुत अच्छे से नरम हो चुका है। तो अब अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर इस चिकन को डाल देंगे। अब असल काम जो है वो यहाँ से शुरू होगा। तो ये वाला जो चिकन होता है, जिसको हम पहले इस तरह से गला लेते हैं कुकर के अंदर, ये कढ़ाई के अंदर बहुत ही सॉफ्ट होता है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 90% जो रेस्टोरेंट्स हैं वो ऐसे ही कढ़ाई बनाते हैं, जैसे लाहौर में बाट कढ़ाई वाले हैं, सेम यही रेसिपी है। यहाँ पे यासर ब्रोस्ट है, सेम यही रेसिपी है। अवारी होटल है, वहाँ पे भी यही सेम रेसिपी है। तो वहाँ पे मैंने उनको चेक किया जाके, तो यहाँ पे इसमें 1/4 टेबल स्पून डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, और ये खुशबू मसाला, आपको वीडियो के एंड पे इसका लिंक मिल जाएगा। खुशबू में ये 4 चांद लगा देगा, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तेज़ आँच के ऊपर इसको हम पकाएंगे, इसका ये जो पानी है अभी, यानी इसको हम ड्राई करेंगे। तो कढ़ाई जब भी बनाते हैं वो तेज़ आंच पे ही होती है, ये प्रेशर कुकर वाली। तो इस कढ़ाई की ख़ास बात ये कि इसमें चिकन बहुत नरम होता है। अब पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल 1/2 कप, और अगर आपके पास मक्खन या देसी घी अवेलेबल है तो आप ये उसमें बनाएं। मक्खन में ये बेस्ट बनती है, जो भट कढ़ाई वाले वो मक्खन में तैयार करते हैं। तो हमारे घर में अम्मी को थोड़ा सा स्टमक का प्रॉब्लम है, वो नहीं यूज़ कर पाती मक्खन, इसलिए मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका आपने पानी ड्राई करना है, और चिकन को सॉफ्टली आपने मूव करना है, ऐसा ना हो ये टूट जाए, ये काफ़ी नरम होता है। अगर हमने स्टार्ट पे इसको फ्राई किया होता ना, फिर कोई टेंशन नहीं थी, जैसे मर्ज़ी आप चम्मच हिलाते जाएं, लेकिन यहाँ पे हमने बॉयल किया था, तो इसलिए जो मीट है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे इसमें अब इसको 8 से 10 मिनट पकाने के बाद हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, और बहुत ही सॉफ्टली चम्मच को हिलाएंगे, ये देखें आप। तो नॉर्मली जो कढ़ाई होती है, मैं आपको फिर बताऊँ, स्टार्ट में हम चिकन को ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं, फिर उसको गलाते हैं पानी डाल के और बाकी मसाले। तो यहाँ पे देखें पानी खुश्क हो चुका है। अब एक छोटी प्याली इसमें दही की जाएगी, दही से एक तो ये बहुत क्रीमी हो जाएगी कढ़ाई, और दूसरी बात इसका कलर भी बहुत प्यारा निखर के निकलेगा। अगर आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं रेसिपी बताऊं, कि जो भी मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, मेरे दोस्त देखते हैं, वो घर की चीज़ों से ही चीज़ को बना लें, ना कि उनको मैं एक अलग से मुश्किल में डाल दूँ और चीज़ें ना और वो बनाई ना। तो यहाँ पे तेज़ आँच के ऊपर ये सारा काम होना है, ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। ये देखिए आप, बहुत ही अच्छी जो लुक है वो आ चुकी है हमारी कढ़ाई की, और खुशबू तो माशाल्लाह, हमारे खुशबू मसाले ने 4 चांद लगा दिए। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी इसकी रेसिपी।
तो वहाँ पे आप क्लिक करके खुशबू मसाला जो है वो बना सकते हैं घर पे, वरना आप गरम मसाला भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक लेमन निचोड़ देंगे, हाफ लेमन बड़े साइज़ का, अगर आपके पास छोटा है तो पूरा निचोड़ दें। और ये हमारे पास अदरक जाएगा बारीक लंबा, इस तरह से ये कढ़ाई में खूबसूरत लगता है। तो देखें कितनी आसान रेसिपी है, अगर कोई लड़का या ऐसी लड़की जिसको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती तो ये उसके लिए एक नेमत है ये रेसिपी, बहुत आसान। तो निकालते हैं प्लेट में इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थिकनेस देख लें और ग्रेवी देख लें कैसी मैंने बनाई है, ये रेस्टोरेंट स्टाइल है, अगर आपने घर पर बनानी तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमतें और नेमतें और बरकत जो उसने दी हमारे हाथ में, हमारे खानों में, हमारे जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसी बात पे वीडियो को कर दीजिए लाइक, कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह इजाज़ आपको हर सवाल का जवाब देगा। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप हमसे कोई सवाल पूछें, इंशाल्लाह आपको हर क्वेश्चन का जो बेहतरीन आंसर है वो देने की मैं कोशिश करूँगा। और जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इजाज़ को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। तो आपके सामने हैं बहुत ही शानदार रेसिपीज़, इनके ऊपर क्लिक करिए और इन रेसिपीज़ को देखिए और हमें फीडबैक दीजिए कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी और इनमें कौन सी रेसिपीज़ और ऐड होनी चाहिए।